अगर हम इंसान और जानवरों के बीच की दोस्ती की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है डॉग और कैट का, यानी कुत्ते का और बिल्ली का। और हम सभी तो यार यही सोचते हैं कि इंसानों के सबसे पक्के मित्र होते हैं जानवरों में डॉग और कैट। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे हमें इंसान देखने को मिलेंगे जिनकी दोस्ती ना सिर्फ कुत्ते और बिल्ली के साथ है, बल्कि उनके दोस्त हैं शेर, चीता और ऐसे ही कई और खतरनाक जानवर भी। तो आज इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको जानवरों की और इंसानों की पक्की दोस्ती दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद यार आपके दिल में एनिमल्स के लिए प्यार और इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर एक नाम आता है जुआओ एंड डिनडिन का। ब्राज़ील देश में रहने वाले जुआओ को एक दिन समंदर के किनारे एक बेहद ही ज़्यादा जख्मी हालत में पेंगुइन मिला। पेंगुइन का पूरा शरीर दोस्तों तेल से भीगा हुआ था, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी था और वो सही से तैर भी नहीं पा रहा था। उसकी हालत पर तरस खाकर जुआओ पेंगुइन को अपने साथ घर लेकर आए। लगभग 2 महीने तक जुआओ ने उस पेंगुइन का अच्छे तरीके से ख्याल रखा। और 2 मंथ बाद जब पेंगुइन पूरी तरह से ठीक हुआ तो जुआओ उसे पास के समंदर में लेकर गया और वहाँ छोड़ दिया। जुआओ जब उस पेंगुइन को छोड़कर अपने घर आया, तब घर आते ही लगभग कुछ ही समय बाद उसको फिर से उस पेंगुइन की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से पेंगुइन और जुआओ की दोस्ती का कार्यक्रम शुरू हुआ। और इसके बाद पेंगुइन जुआओ के घर में 11 मंथ तक और रहा, और इसके बाद वो वापस समंदर में लौटा। 2011 का दोस्तों वो खूबसूरत साल था जब जुआओ और पेंगुइन की पहली मुलाकात हुई। और उसके बाद अब तक 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन हर साल पेंगुइन जनवरी के मंथ में जुआओ से मिलने के लिए आता है और फरवरी के मंथ में वापस जाता है। और यहीं से आप समझ सकते हैं इन दोनों की दोस्ती कितनी ज़्यादा हाई लेवल की है। इनकी दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। नंबर 2 पर नाम आता है चीतो एंड पोचो। पानी के अंदर रहने वाला जानवर दोस्तों मगरमच्छ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इससे पानी के अंदर रहने वाले सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर के तौर पर भी पूरी दुनिया जानती है। और पानी के अंदर तो ये दुनिया के बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक जानवर को भी मार सकता है। मगरमच्छ इतना ज़्यादा खतरनाक है, यही वजह है कि इंसान इससे हमेशा ही दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया का एक ऐसा इंसान है जो मगरमच्छ के बेहद ही ज़्यादा करीब रहता है। इनका नाम है गिलबाटो चीतो। चीतो को नदी के पास एक बेहद ही ज़्यादा जख्मी हालत में परेशान क्रोकोडाइल मिला। चीतो इस मगरमच्छ को उठाकर अपने घर लेकर आया, जिसके बाद चीतो ने इस मगरमच्छ का अच्छे से इलाज किया और इसका ख्याल भी रखा। 15 दिन के अंदर जब मगरमच्छ पूरी तरह से ठीक हुआ तो चीतो ने इसे उसी नदी में छोड़ दिया जहाँ से वो पाया गया था। मगरमच्छ को छोड़कर जब चीतो अपने घर आया, तब दोस्तों उसके पीछे पीछे ही मगरमच्छ भी साथ उसके घर आया। और दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा उस समय से बढ़ गई कि दोनों साथ में ही एक ही घर में रहने लगे। चीतो के साथ रहते हुए दोस्तों उस मगरमच्छ की 2011 के साल में मौत हुई। लेकिन इन दोनों की दोस्ती जितनी देर रही, उससे यही पता चलता है कि इंसानों के सबसे अगर अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो वो हैं एनिमल्स। नंबर 3 पर नाम आता है और लाजमी एंड लॉयंस। ऐसे ही दोस्तों शेर को जंगल का राजा नहीं कहा जाता। आप तो जानते हैं शेर के सामने जंगल का कोई भी जानवर नहीं टिकता। स्वाभाविक सी बात है, इतना ज़्यादा खतरनाक जानवर है तो हम इंसान इससे दूर रहना ही पसंद करेंगे। लेकिन और लाजमी एक ऐसी कमाल की लड़की है जिन्हें शेर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। खास बात तो यह है कि और लाजमी की दोस्ती सिर्फ एक शेर से नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती तो कई शेरों से है। सही कहा जाए तो वो आज के दिन शेरों की फैमिली का हिस्सा ही बन चुकी हैं। और सभी शेर और लाजमी के साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे और लाजमी उनकी असली दोस्त है और उनके ही फैमिली का हिस्सा है। नंबर 4 पर नाम आता है सेलिंडा एंड नमल। छोटी उम्र में ही पिंजरे में पैर फंसने के चलते हाथी के बच्चे का पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया। पैर के इतना ज़्यादा जख्मी होने के चलते उस हाथी को चलने में और बाकी सभी काम करने में बेहद ही ज़्यादा परेशानी होती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त भी रहने लगा था, जिसके चलते बाकी हाथियों ने उसको अपने से अलग करना ही ठीक समझा। लेकिन इसके बाद उस कमाल के हाथी की देखभाल का जिम्मा लिया इस सेलिंडा नाम के लड़के ने। हमेशा ही लंबे समय से साथ रहने के चलते सेलिंडा और नमल में आपस में बहुत ही ज़्यादा गूढ़ी दोस्ती हो गई और इनकी दोस्ती पूरे वर्ल्ड में बेहद ही ज़्यादा फेमस है। हाथी को चलने में आसानी हो, इसके लिए सेलिंडा ने हाथी के लिए बहुत ही बढ़िया आर्टिफिशियल पैर भी बनाया है, जिसके चलते हाथी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है सेलिंडा के साथ।
नंबर 5 नाम आता है स्वेटलाना यूरी एंड स्टेपन। रशियन ब्यूटीफुल कपल स्टेवलाना एंड यूरी ने एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे से बालू को अपने साथ रखने का फैसला किया। आज से तकरीबन 23.5 साल पहले जब इस बालू की उम्र सिर्फ 10 महीने थी तभी इन दोनों कपल्स ने इस बालू को पालने का फैसला किया। उसके बाद दोस्तों ये दुनिया का एक ऐसा कमाल का बालू है जो इंसानों के बीच में पला, जिसके चलते इसकी आदतें भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे कि इसे फैमिली के साथ टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही टीवी देखने में भी इसे बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। दोनों कपल्स के साथ रहते हुए दोस्तों इसको बेहद ही ज़्यादा पसंद है कपल्स के साथ खेलना और साथ ही उनके साथ अच्छे से हग करना। इससे पता चलता है कि जानवरों को इंसानों के साथ कितना ज़्यादा प्यार है। इस बालू के साथ बहुत सारी कंपनियां अपनी एड शूट कर चुकी हैं और आज के दिन तो दोस्तों ये बालू एक बहुत बड़ा स्टार भी बन चुका है। नंबर 6 नाम आता है हैचिको डॉग। इस डॉग के चर्चे आज भी दोस्तों आपको जापान के घरों में सुनने को मिलेंगे। हैचिको को टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पाल रखा था। प्रोफेसर यूनो को यह बेहद ही छोटा सा और क्यूट सा डॉग रेलवे स्टेशन के पास से मिला। प्रोफेसर को यह डॉग बेहद ही ज़्यादा पसंद आया, जिसके चलते हैचिको की और प्रोफेसर की दोस्ती कुछ ही दिनों में कमाल हो गई। प्रोफेसर कॉलेज में असल में लेक्चरर थे, जिसके चलते उन्हें रोज़ ही घर से काम पर निकलना पड़ता था, लेकिन जब भी वो शिबुया स्टेशन पर जाते तो डॉग भी उन्हें वहाँ पर ड्रॉप करने जाता। वो सुबह प्रोफेसर को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आता और शाम को जैसे ही ट्रेन का टाइम होता तो उन्हें लेने भी जाता। रोज़ ही स्टेशन पर आने जाने के चलते अब तो वहाँ के सभी लोग हैचिको को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। 21 मई 1925 की तारीख थी और रोज की तरह ही हैचिको अपने मालिक को लेने गया, लेकिन उस दिन प्रोफेसर वापस नहीं आए क्योंकि एक बीमारी के चलते उनकी कॉलेज में ही मौत हो गई। इसके बाद 3 घंटे तक हैचिको को देखते समय वहाँ का गार्डनर हैचिको को वापस उसके घर छोड़ आया, लेकिन इसके बाद भी हैचिको हर रोज़ अपने दोस्त को देखने के लिए सुबह रेलवे स्टेशन पर जाता और शाम तक वहीं उनकी वेट करता। हैचिको ने अपनी ज़िंदगी के बाकी सभी 10 साल अपने दोस्त के इंतज़ार में ही निकाल दिया और लगातार 10 साल तक वो रोज़ रेलवे स्टेशन जाता और शाम को ही वापस आता। तो दोस्तों इसी से आप समझ सकते हैं एनिमल्स की दोस्ती इंसानों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए हमें ऐसी ही डेली वीडियोस लेकर आनी है तो अपने चैनल टेक प्रो को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी अभी प्रेस कर देना।